दाऊद केवलानी आज आपके सामने एक बार फिर साथ हूँ। चुनावी सरगर्मी में आज मैं क्षेत्र का जायजा लेते लेते आया हूँ अलवर लोकसभा क्षेत्र के खैरथल क्षेत्र में। खैरथल यूँ तो नवगठित जिला है और माहौल जो चुनाव का है इस समय सरगर्मियाँ तेजी पर हैं। तो मेरे साथ इस समय भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी हैं, ये यहाँ बीजेपी कार्यालय पे मेरी मुलाकात हो गई इन लोगों से। आइए इनसे बात करते हैं और समझते हैं चुनावी परिदृश्य को। आखिर भारत को चुनावी त्योहारों का देश कहा जाता है, इन त्योहारों से आखिर फायदा क्या मिल रहा है, और ये चुनाव जो 2024 का चुनाव है इस चुनाव से देश किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि ये सेना से जुड़े रहे हुए हैं और धारा 370 एक बहुत बड़ा मुद्दा था हमारे देश में जो सुलझ गया। टेक्निकली मैं इनसे भी समझूंगा। सर आपका स्वागत है मेजर साहब। थैंक यू। और मैं सबसे पहले तो आपको चुनाव को लेकर जानना चाहता हूँ, आखिर आप भी घूम रहे हैं, क्या किस नज़रिए से देख रहे हैं चुनावों को आप? देखो मैं पिछले लगभग 12-13 दिन से अलवर लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों में गया हूँ। मैं उधर राजगढ़, रामगढ़, लखमनगढ़, रेणी, मालाखेड़ा, उससे पहले बैरोड, मुंडावर, सब अगल बगल के बांसुर जैसी जगह में गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, मीटिंग्स किए पूर्व सैनिकों से जी। और हम काम कर रहे हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, भूपेंद्र यादव जी के लिए काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा माहौल मिला। पहली बात तो ये इलेक्शन नरेंद्र मोदी जी का है जी। आज सवाल देश के सामने है कि देश का प्रतिनिधित्व कौन करे। हमारे पास में एक ऐसी शख्सियत है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 10 साल में दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को पीछे छोड़ करके आज अग्रणी पंक्ति में है। और ये हम 140 करोड़ लोगों को का फर्ज था, उनको हमने इस मजबूती पे वहाँ पे खड़ा किया और आज देश का नाम उन्होंने बहुत चमकाया। एक टेक्निकली बात मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप सेना में रहे हैं, अग्रिम पंक्ति में रहे हैं, बॉर्डर भी आपने देखे हैं, लड़े हैं, बहुत सारी तकनीकी विषयों को जो आम जनता नहीं समझ पाती आप समझ जाएंगे। 2014 से पहले और 2014 के बाद भारतीय सेना को आप कहाँ पे पाते हैं? देखो आज के दिन भारतीय सेना कोई डाउट नहीं है, चाइना हमें बहुत हल्के में लेता था जी। पाकिस्तान हमें बहुत हल्के में लेता था, छुटपुट घटनाएं करता था वो, छोटी किस पे उनके टेररिस्ट घुस गए बॉर्डर से अंदर कुछ और कर दिया। लेकिन पिछले आपने 10 साल में देखा होगा उस घुसपैठ में कितनी कमी आई। वहाँ पत्थरबाज थे कश्मीर के अंदर, हमारे सैनिकों पर पत्थर फेंकते थे और सैनिक को इतना अधिकार नहीं था कि अपनी सुरक्षा कर सके। वो राइफल उसके पास थी, लोडेड होती थी, वो बेचारा लात भी खाता था, पीछे से धक्का ही मारते थे, पत्थर ही फेंकते थे, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए थे 2014 से पहले। मोदी जी आने के बाद में मोदी जी ने कमांडर्स को बहुत फ्रीडम दी है। गलवान घाटी में देखा होगा आपने कैसे हमने चाइना के कैसे लोगों को लात मार मार करके सिर पटक पटक करके वहाँ पर मारा था हमने जी। चाइना भी डरता है, 20 बार सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान तो मोदी जी की कूटनीति ने, उनकी आर्थिक नीति ने और उनका जो नेतृत्व है पूरे वर्ल्ड में, उसके लिहाज से डिप्लोमेटिक अफर्ट्स के कारण पाकिस्तान को जीरो कर दिया। पाकिस्तान सेना के पास में खाने के लिए राशन नहीं है, अमनेशियन रिपेयर्स एयरक्राफ्ट्स की, शिप्स की, वो तो दूर की बात रह गई। पाकिस्तान ख़त्म हो गया सैनिक रूप से भारत के सामने, केवल नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण। उनके पास में इतना सक्षम मंत्रिमंडल है जिसमें दुनिया के एक्सपर्ट है, एस जयशंकर जैसा कूटनीतिक सोच वाला आज तक कोई फॉरेन मिनिस्टर बना नहीं है। उन्होंने डंका बजा दिया दुनिया के अंदर, नज़रों में नज़रें डाल करके आज अमेरिका को हम जवाब दे रहे हैं, रशिया को जवाब दे रहे हैं, फ्रांस को दे रहे हैं, यूके को दे रहे, कनाडा को दे रहे हैं। एक समझने वाली बात है, क्योंकि मैं आपसे बार बार इसीलिए इस बात को पूछ रहा हूँ तकनीकी विषयों को, क्योंकि शायद आम जनता उतना नहीं समझ पाए। अभी देखिए विपक्ष के लोग हैं, जो सरकार के विपक्ष के लोग हैं, अभी अरुणाचल का मुद्दा भी बड़ा गर्मा गर्मी पे, आपने देखा होगा कल चाइना ने, कल या परसों चाइना ने अरुणाचल के कुछ नाम चेंज किया, नाम चेंज किया। यस यस, या हमारे विदेश मंत्री जी कह रहे हैं कि किसी का नाम रख लेने से वो चीज नहीं होता। हाँ, वो बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं समझना आपसे चाह रहा हूँ अरुणाचल को लेके आखिर इतना गहमी गहमी क्यों? क्योंकि देखिए पहले वाले प्रधानमंत्री कभी कोई अरुणाचल गया नहीं, अभी मोदी जी आने के बाद मोदी जी ने दौरे किए अरुणाचल। बिल्कुल बिल्कुल, इसको आप कितना मजबूत समझ रहे हैं? देखो हमने बॉर्डर्स के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, अभी 1700 किलोमीटर लंबा
हाईवे बनाने के लिए टेंडर फ्लोट किए हैं जी। मेरी कंपनी भी हाईवे कंस्ट्रक्शन में, हमने कारगिल से जंस्कार तक हमने 100 किलोमीटर का रोड बनाया है। वहाँ पर इतना भारी काम चल रहा है, हिंदुस्तान की सब बड़ी कंपनियाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की आज अरुणाचल बॉर्डर पे काम कर रही हैं। मोदी जी ने लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट ये पॉलिसी अपनाई, वो पॉलिसी अपना के बाद फंड्स अलॉट किए, NHIDCL एक नई संस्था बनाई, इसी गवर्नमेंट ने बनाई है, वो BRO की जिम्मेदारी अलग कर दी। एक टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर ये कहा करता कि बॉर्डर पर रोड हम अच्छे नहीं बनाएंगे क्योंकि चाइनीज यूज़ करेंगे। आज चाइनीज की हिम्मत नहीं है। बात रही अरुणाचल में नाम बदली करने की, मैं बताना चाहूँगा चाइनीज की लीडरशिप अपनी इज्जत बचाने के लिए उस पर जूते पड़ने वाले हैं। अब जीपिंग के ऊपर आने वाले समय में इज्जत बचाने के लिए छोटी छोटी हरकतें कर रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। भारतीय सेना डट के खड़ी हुई है अरुणाचल के अंदर, कभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर दौरा करते रहते। भूपेंद्र यादव जी खुद लद्दाख के अंदर कितनी बार जा चुके हैं, सैनिकों से मिलते हैं, सैनिकों का मनोबल बहुत ऊंचा है। भारतीय सेना के सामने चाइनीज सैनिक कुछ भी नहीं। चाइनीज आज जो सेना है वो वन चाइल्ड नॉर्म वाले हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं टेम्पर्ड चाइल्ड है, वो घर में लाडले जो होते ना वो हैं। कोई नहीं चाहता भारतीय सेना के सामने खड़ा होकर के पंगा लेना। आज टेम्पर्ड शब्द से मेरे को वो याद आ गया, आपने भूपेंद्र जी का भी नाम लिया और आप क्षेत्र में भी उन्हीं के घूम रहे हैं। बिल्कुल। और शायद आप भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि भाजपा कार्यालय पे आप मेरे को मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो ना भाजपा का। हाँ ठीक, लेकिन कमल साथ लेके चलता। कुछ लोग ये भी बात उठाते हैं कि बाहरी बनाम और अंदरी, मतलब यहाँ अंदरूनी एक लड़का खड़ा है विपक्ष से और भूपेंद्र जी को लोग जैसा नारा देते हैं, आप घूम ही रहे हैं क्षेत्र में, इसके बारे में जरा खुलासा बता दीजिए कि बाहरी क्या विकास कर सकता है। देखो अलवर की जनता बहुत शिक्षित है, अलवर पहले वाला नहीं है, एजुकेशनली बहुत एडवांस हो चुका है और वो भली भांति जानते हैं कि भूपेंद्र यादव को बाहरी कहने वाले हार माने बैठे बुरी तरह से, वो बौखलाए हुए हैं कि क्या मुद्दा लेकर क्या है। ये कोई मुद्दा हुआ, भूपेंद्र यादव के अंदर जखराना का खून है। जखराना बैरोड तहसील के अंदर आता है, बैलोर जिले के अंदर आता है, जिला बन गया अभी तो। उनकी सारी रिश्तेदारी यहाँ पे हैं, वो पैदा राजस्थान में हुए हैं, उन्होंने पढ़ाई राजस्थान में की है, वकालत की शुरुआत राजस्थान में की है, राजस्थान का अन्न और पानी पिया है उन्होंने, जखराना की गलियों में उन्होंने अपना बचपन गुजारा है, झोड़ों में नहाए हैं वो, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं वो, हम कैसे कह दें कि अच्छा, आप भी सेना से जुड़ रहे हैं, अलवर को कितना जानते हैं आप? मैं 71 में पहली बार अलवर में गया था, मेरे पिताजी की यूनिट 78 मीडियम रेजिमेंट 71 की लड़ाई से पहले वहाँ तैनात थी इटाराना महल के पास में, मैं 7th में था, तब से मैं इसके बारे में जानता हूँ अलवर के बारे में। मेरी बहुत रिश्तेदारी है, मेरे नज़दीक में भोजराज का अजरका के पास में वहाँ मेरी बुआ भी आई, बचपन में हम कितने देर वहाँ के वहाँ पर रहा कर, मेरी एक ही बुआ है उनके वहाँ कितने खेलते थे। 71 से अब तक यानी 50 साल के लगभग हो गए आपको अलवर से परिचित हुए। बिल्कुल, तो यहाँ की समस्याओं को आप भली भांति जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, और खास करके अभी 10-12 दिन में छोटी छोटी समस्याओं को और पता लगा हमें। देखो जो पानी की समस्या है, किसी ने आज से 100 साल पहले कहा था कि अगला 3rd महायुद्ध होता है वो पानी के ऊपर होगा, ये किसी ने फोरकास्ट किया था। और वाटर इज अ लिमिटेड कमोडिटी, सबको पता है ये। अब भारत सरकार लगी हुई है सारी नदियों को जोड़ने के लिए, परियोजना बीच में थोड़ी स्लो हो गई थी लेकिन अभी एक्सपीडाइट कर रहे हैं, सारी नदियों को जोड़ेंगे, जहाँ कहीं पर बाढ़ आ रही है कहीं पर सूखा है उनको जोड़ करके, वो अलवर जैसे क्षेत्र में जहाँ पे ERCP की प्रॉब्लम है, अभी यहाँ पे सुरेश रावत साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने और गजेंद्र जी ने सेंटर के अंदर भूपेंद्र यादव जी की मध्यस्थता से MP के साथ भी संधि की उन्होंने कि हमारे पास मैक्सिमम जो हमारे बांध बने पानी का स्टोर करें रेन वाटर का, और जो नॉन रेनी सीजन में उसको हम सप्लाई करें। पानी की समस्या बहुत जल्द नहर के द्वारा सब यहाँ पे कंप्लीट होगी। पानी की समस्या तो है ना, मान रहे हैं आप घूमे। बिल्कुल, रहीम साहब भी कहते हैं रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी एक राजस्थान की बहुत गंभीर समस्या है और खासकर अलवर जिले की, क्योंकि डार्क जोन में मुझको खुशी हो रही है, इस बात की खुशी हो रही है कि आप सेना के जवान रहे, सेना के अधिकारी रहे, क्षेत्र क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, आप जो आवाज़ उठाएंगे शायद वो केंद्र सरकार तक जाएगी, राज्य सरकार तक जाएगी। पानी को लेकर जो आपने बात की वो बात आपको पुरजोर तरीके से, एक देश का नागरिक, ना केवल देश का नागरिक बिल्कुल, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप
इस समय एक सभ्य नागरिक की हैसियत से भी पानी की समस्या आप पुरजोर तरीके से उठाएंगे। ये बिल्कुल मैं आपसे वादा करता हूँ और सब दर्शकों से वादा करता हूँ, मैं जो भी इस वीडियो को देखेंगे, कि भाई मैं भूपेंद्र यादव पहले ही टच में उनकी, मैं जिस दिन उनको टिकट अनाउंस हुई थी, नेक्स्ट डे अलवर जिला के जन सैलाब उनको वहाँ पे मुबारकबाद देने के लिए गया था। मैं वहीं पे था, 3-4 घंटे उनके साथ में बैठा हुआ था, लोग आके स्वागत कर रहे थे। कई लोगों जो पार्षद के लेवल के थे यहाँ से, उन लोगों ने उनको धीरे से कहा कि सर पानी की, उन्होंने उस दिन से क्या पहले से इस पर काम कर रहे हैं वो तो, और अभी एक योजना बनाई कि यहाँ की पानी की जो समस्या है वो पूरी होगी सिर्फ एक कैनाल लाने से। बड़ी कैनाल का प्रपोजल चल रहा है, ईआरसीपी का बड़ा मुद्दा रहा है राजस्थान में, बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा क्या, वो उस पर लगी हुई गवर्नमेंट, उससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, मुझे नहीं पता क्या नज़रिया था उनका गांव के लोगों की प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन भाजपा जन कल्याण के लिए समर्पित है। और पानी के लिए तो मैं आपको बताऊँ, मैं अभी आजमगढ़ में यूपी के अंदर हर घर जल हर घर नल, उस प्रोजेक्ट पे मेरी खुद कंपनी काम कर रही है, 600 गांवों में तो हम ये ओएसटी टैंक बना रहे हैं। नव निर्मित राज्य सरकार के आने के बाद ईआरसीपी को लेके एमओयू हो चुका है, लेकिन क्योंकि हम जिस क्षेत्र में बैठे बात इसकी कर रहे हैं, ये बड़ा डार्क जोन में। कर्नल साहब एक बात और है, 400+ का नारा, 400+ का नारा मोदी जी दे रहे हैं, क्या समझ रहे हैं आप, पूरे देश की परिस्थिति को कहाँ देख रहे हैं? जहाँ तक मेरा खुद का अनुभव है, मैं सोचता हूँ कि किसी भी देश की स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और अगर हमें कोई बड़े फैसले लेने हैं उसमें आप पत्रकार होने के नाते जानते हो कि संविधान का संशोधन के लिए किस तरह की आवश्यकता पड़ती है। जब आप राज्यसभा और लोकसभा को देख के दोनों चीज़ों में ये देखते हैं कि हमने कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने हैं, उसके लिए आवश्यकता है कि आपके पास प्रचंड मोहब्बत हो, और वो जब भी पॉसिबल है जब दोनों की 2/3 बहुमत जो है आपको आवश्यकता पड़ती है, चाहे आप ज्वाइंट सेशन में बैठ के उसके फैसले लें। 407 हाँ, और जहाँ तक नॉर्थ और साउथ की बात है, इस बार मेरा ऐसा मानना है कि साउथ में भी कुछ सीटें बढ़ेंगी। जिस प्रकार से साउथ में काम किया गया है, आप चाहे तमिलनाडु में ले लें, चाहे केरला में ले लें, जहाँ पर कभी अकाउंट नहीं खुला और वहाँ से सिर्फ एक सीट थी, तो वहाँ पर भी जो है कुछ सीटें बढ़ेगी। बाकी जगह उत्तर में तो बहुत ही प्रचंड बहुमत पिछली बार मिला था, और मुझे पूरी संभावना है इस बार भी रिजल्ट उसी प्रकार का रहेगा या कहीं ना कहीं उससे बेहतर होगा। बंगाल को लेकर आप क्या सोचते हैं? बंगाल को हमने बड़ी करीब से देखा है, बंगाल में जिस तरह से आप अगर उसका डेमोग्राफी देखें, किस तरह से वो बदली हुई है, वहाँ की आप माइनॉरिटी मेजॉरिटी और उन सबको देखें, पोलराइजेशन हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु लोग समझने लगे हैं कि देश हित में क्या रहेगा, चाहे वो ये राज्य का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है, उनके लिए क्या बेहतर रहेगा, चाहे हमारे वहाँ बॉर्डर से उसको स्ट्रॉन्ग करना हो, कि चाइना किसी भी तरह चाहता है कि वो जो चिकन नेक हम उसको बोलते हैं, वो 80 किलोमीटर की जो लाइन है उसको किस तरह से वो जो है कब्जा करते हुए, चाहे वो हमारा सिक्किम है, चाहे उसके बाद बंगाल है, और बांग्लादेश को तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो वो जल्दी से जल्दी बे ऑफ बंगाल में पहुंचना चाहता है। पर हमारा स्ट्रॉन्ग नेशन और हमारी जब तक गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। किरण साहब, राजस्थान में एक पेपर लीक का मुद्दा बड़ा हावी रहा, और शायद आज के अखबारों में आपने पढ़ा हो, कुछ पकड़े गए हैं, 35 के लगभग सब इंस्पेक्टर जो अंडर ट्रेनिंग थे, उनको पकड़ा गया है, क्या समझते हैं इस बारे में? देखो, कोई भी जब बच्चों, हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, एक गरीब का बच्चा जिसने अपनी मेहनत की है, एक दूसरा किस उसने बड़ी मुश्किल से उसके माता पिता ने पैसे इकट्ठे करके किसी को दिए हैं, परंतु मेरा ये मानना है कि योग्यता के आधार पर कोई भी हो, इसमें इकोनॉमी वीकर सेक्शन हो, माइनॉरिटी हो, मेजोरिटी हो, जो लायक है भाई उसको लो, चाहे मेरा बच्चा है या गरीब से गरीब का बच्चा है। तो क्या माने, अब जो सरकारें आएंगी राजस्थान में, तो भाजपा सरकार है, केंद्र में भी आएगी, डबल इंजन सरकार का बहुत नाम चलता है, मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ डबल इंजन की बात करते हैं, तो ये डबल इंजन क्या इन पे भी लगाम लगाएगी? देखो, मेरे को पूर्ण विश्वास है कि एक सबका ये सोच है कि हमारे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो है हमारे मैट्रिक के हैं, चाहे वो हमारे 12th के एग्ज़ाम है, या किसी भी रोज़गार के लिए जो एग्ज़ाम है, उसका पेपर की सेटिंग, उसकी सेफ्टी,
उसकी सिक्योरिटी और पेपर चेक होने तक इस प्रकार की प्रक्रिया हो कि जो आदमी उसमें इन्वॉल्व है उसकी एक अपनी आत्मा नहीं मारनी चाहिए। कोई भी बच्चा हो वो इस देश को अगर विकसित चाहता है, अगर उसने आज कोई गलत काम करके वहाँ पर कर लिया है तो उसका पोता पोती उसका जो है नुकसान उठाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम सबका ये सोचना है और साथ खासकर इस गवर्नमेंट का कि इन चीज़ों पे लगाम कसी जाएगी। मेजर साहब, आपको काफ़ी समय हो गया होगा घूमते घूमते यहाँ इस क्षेत्र में। यस यस, अब तक आपने बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ समझा होगा इस क्षेत्र के बारे में। पानी एक समस्या है, लेकिन मेरे को लगता है कुछ तकनीकी विषयों से हटकर एक सामाजिक विषयों पर मैं आपसे बात करूं। अलवर की जनता की सरकार से क्या अपेक्षाएं आपको नजर आती हैं और कितनी पूरी होंगी वो अपेक्षाएं, इस पे जरा थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करें। देखो, मुझे भूपेंद्र यादव जी के व्यक्तित्व पे, उनके नॉलेज के ऊपर, उनका स्थान जो आज NDA गवर्नमेंट में है, दो मुख्य डिपार्टमेंट को दे रखे हैं जिससे और पूरा हर इंसान प्रभावित है, जलवायु परिवर्तन एंड श्रम एंड रोजगार जी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो जनता अब आज जिस हाल में है उनमें सुधार होना ही निश्चित है, कोई डाउट ही नहीं है। सैकली भूपेंद्र यादव जैसे व्यक्तित्व यहाँ से लोकसभा में जाएगा, यहाँ को आपकी बातें आगे रखेगा तो उसको वेटेज दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जो भी टॉप लीडरशिप है NDA की, वो उस बात को सुनेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे कि आप आगे बढ़ो, प्रपोजल लेके आओ, हम अप्रूव करेंगे, हम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करेंगे। वो अब फर्क है, उधर ललित यादव, इधर भूपेंद्र यादव, दोनों एक कम्युनिटी से हैं। लोग उल्टी सुलटी बातें फैला रहे, जो युवा हैं खासकर वो गुमराह हो रखे हैं कि ललित यादव यहाँ का है। तो ललित यादव का व्यक्तित्व देखो ना, पहली बार MLA बने हो। एक बात तो है ना, इस क्षेत्र में क्या कहूँगा, ये तो पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ मैं, जातिगत आधार पर वोट होता भी और जातिगत आधार पर टिकट भी मिलता है। जब दोनों एक कम्युनिटी के हैं तो क्या ये वोट आपस में बटेंगे नहीं? नहीं, देखो ये इलेक्शन है सेंटर का, केंद्रीय गवर्नमेंट का, नरेंद्र मोदी जी का इलेक्शन है ये। यस, उनके पीछे चेहरा है भूपेंद्र यादव का। लोग उस व्यक्तित्व, दोनों व्यक्तित्व बहुत ऊंचे हैं, छुप जाते हैं बाकी लेफ्ट राइट के अंदर, बहुत दब जाते हैं जो कैंडिडेट यहाँ से है, बाकी जगह भी जो हैं। और डूबते जहाज में कोई सवार नहीं होना चाहेगा आज के दिन। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, पिछली बार जो थी उससे 50% भी इस बार सीटें नहीं आएंगी। ये दुर्भाग्य इस देश का कि अपोजिशन खत्म हो जाएगी, गठबंधन किया है वो स्वार्थ का गठबंधन है, क्योंकि किसी ने सीटें अनाउंस कर दी, किसी ने कुछ कर दिया। तो आने वाले समय में हर आदमी, खासकर 19 अप्रैल के बाद में जितने भी इलेक्शन फेजिज में होंगे, हर आदमी बटन दबाने से पहले विचार करेगा। मोदी का फोटो दिखाई देगा EVM के अंदर, देखना मेजर साहब, आत्मा कहेगी कि यार मैं उस व्यक्तित्व को देश की बागडोर सौंपूं जो सक्षम है, जिसने दुनिया को जता दिया कि हिंदुस्तान आज पहला वाला हिंदुस्तान नहीं है। चलिए, आपके विश्वास में लगता है आप, क्योंकि सेना से जुड़े हुए हैं, सेना के ऊपर हमारे देश को बहुत भरोसा रहता है, लोगों में जज्बा रहता है सेना को। आपकी बात शायद नेताओं से ऊपर उठ के, वैसे आपने डूबते हुए की बात की तो डूबते हुए को तिनके का सहारा एक कहावत है हमारे यहाँ। बात भूपेंद्र जी की करें तो कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनसे सवाल किया था खैरथल के बारे में, क्योंकि ये आपकी बात और उनकी बात मेरे को कुछ कुछ मैच होती सी लगी। मैंने खैरथल के बारे में सवाल किया था तो उन्होंने मुझसे कहा था आने वाले समय में खैरथल डेवलपमेंटल ग्रोथ की राजधानी बनेगा, और ये बात मैंने बार बार लोगों को बताई, क्योंकि भूपेंद्र जी एक दिग्गज चेहरा है, नामी चेहरा है। अब आप उनकी बात को वजन दे रहे हैं क्योंकि आप ऑन एयर मीडिया के सामने ये बात कह रहे हैं कि भूपेंद्र जी इस चीज़ में सक्षम है। नो डाउट सक्षम है, लेकिन क्योंकि हमारा क्षेत्र NCR में है, यहाँ जरूरत लोगों को पानी के साथ विकास की है, रैपिड रेल की है, मेट्रो की है, ट्रेन स्टॉपेजेस की है, रोजगार की है, इस पर अगर आप दो शब्द बोल दें चलते चलते तो शायद मेरे दर्शक भी खुश हो जाए। बिल्कुल ठीक है। जब मैं शुरुआत करूंगा रेल से, हरसौली में गए, उन्होंने कुछ पॉइंट किए, बहुत रेल गुजरती है यहाँ से। अश्वनी वैष्णव जी बहुत क्लोज फ्रेंड है भूपेंद्र यादव जी के, ये 3-4 लोग हैं इस गवर्नमेंट के अंदर जिसपे गवर्नमेंट दौड़ रही है, जिससे आपस में बहुत गजब का तालमेल है।
इलेक्शन खत्म होने दो, एक एक समय मुझे पूरा भरोसा आरआरटीएस की बात करूं मैं, जो स्लो हो गया था अब मैं यकीन दिलाता हूं बहरोड तक आगे तक जाएगी, जयपुर तक जाएगी आरआरटीएस आने वाले समय में आप देखेंगे, और वो हिस्सा भी आपका है। खैर चल नया डिस्ट्रिक्ट बना, अभी इस पर आ जाएंगे हम। भूपेंद्र जी ने ठीक कहा कि खैरथल जिला इंडिया के मैप पे नहीं दुनिया के मैप पे होगा, विकास के लिए, विकास की नदी बहेंगी यहाँ से देखना, क्योंकि नया डिस्ट्रिक्ट बनाया, बहुत स्कोप है काम करने के, ऑफिसेज बनेंगे, बड़ा सेक्रेटरीट बनेगा, एडवोकेट्स के चैम्बर बनेंगे, यहाँ पे सोल्जर बोर्ड बनेगा, यहाँ पे ECHS आएगा, यहाँ पे CSD कैंटीन आएगी पूर्व सैनिकों के लिए, और सारे दफ्तर आएंगे यहाँ पे, विकास तो यहाँ पे होना ही होना है, आप आने और मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ में सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगी। सबसे बड़ी बात यह है जवान जिला है ये, और इस जिले को कोई डाउट नहीं है अलवर लोकसभा का ये अग्रणी डिस्ट्रिक्ट होगा, ये मेरा मानना है, मेरी समझ में ये। चलिए जवान जिले को संभालने के लिए जवान दौरा कर रहे हैं, अभी उम्र से जवान ना सही लेकिन सेना के जवान हैं, और इनके लिए जज्बा देश के लोगों का इनके प्रति जज्बा रहता है। आपकी बातों को मैं वजन देता हूँ क्योंकि आप सेना से आए हुए हैं, इस जवान जिले को जवान रखने के लिए आप जितनी जवान कोशिशें करेंगे हम उतने जवान रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीदें करता हूं। थैंक यू। ठीक है, ये मेरे साथ थे सेना के कुछ जवान जो आए थे क्षेत्र में दौरा करने, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू भाई।